ये देखो, पहली बात तो बयान जो है इस वक्त ये पॉलिटिकल बयान है, देश को गुमराह करने वाला ना, ये 24 में आने वाले ना ये काम होने वाला। और जिस तरह का अभी सीतारमन को जो काम करना चाहिए था, पीएमएलए में जो पैसा आया है, जिन कंपनियों को बेनिफिट नहीं हो रहा, वो चंदा कहाँ से दे रही है, पैसा कहाँ से आया, या जिन लोगों को उनसे पैसा आप लोगों ने लिया, वो पैसा क्यों लिया, कौन कौन से षड्यंत्र में शामिल थे, पीएमएलए में जांच उनकी, और सरकारी गवाह बनाना चाहिए उन लोगों को जिन पे प्रेशर बना के पैसा लिया गया। और इमीडिएटली सीतारमन को भी, और गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करना चाहिए देश में, जैसे देश के दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया इन लोगों ने। अगर इसमें दम हो, इस लेडी में नैतिकता हो थोड़ी बहुत बची हुई है, इसको वो काम करना चाहिए था जाते जाते, इसको 24 में तो आना नहीं, ये अभी कम से कम एक काम कर जाती है अपने हस्ताक्षर करके। अगर ये बेईमान नहीं है, इसका इसकी हिस्सेदारी नहीं है इस बदमाशी में, इस इलीगल काम में, इसको चुपचाप देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और साइन करके पीएमएलए की जांच के लिए निर्देश कर देने चाहिए। अगर ये दूध की धुली है तो, ये साफ सुथरी है तो, ये देश को गुमराह करना चाहते हैं कि हम 24 में आएंगे और हम ये दोबारा कानून बना के लाए ना, ये 24 में आने वाले और ना ये कानून बनने वाला, और ना ये कानून को बनाने की हिम्मत किसी में, अब किसी नेता में ये हिम्मत नहीं है। ये मोदी उसका सही जवाब नहीं दे पाए। गृह मंत्री कल मेरे ख्याल में किसी पत्रकार के यहाँ बैठा था और बोलते बोलते क्या बोला, से आप पार्टी के अलावा कुछ पूछना तो पूछो, इस तरह पूछ रहा जैसे किसी की बाप की दुकान, उसकी मर्जी चलेगी पत्रकार के सामने, पत्रकार के सामने किसी की मर्जी चलेगी क्या? ना प्राइम मिनिस्टर की चल सकती, ना राष्ट्रपति की, ना देश के चीफ जस्टिस की, ना हमारी वकीलों की, किसी की नहीं। पत्रकार राइट टू एक्सप्रेशन में देश के ब्याह पे कुछ भी प्रश्न पूछे, कौन होते तुम यहाँ? तुम दादा की खा रहे हो देश में, तुम्हें अकल ही नहीं कि मंत्री की जिम्मेवारी क्या होती है? तुम जिम्मेदार लोग हो, जिम्मेदारी तुम्हारे को दी है और संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलाने के लिए, ना कि तुम्हें थानेदार थोड़ा बनाया देश ने। और आज जो बयान दिया, मुझे उससे भी दुख हुआ, चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया है कि तीन कानून बहुत अच्छे हैं, भारत बदल रहा है, उनको ये मालूम नहीं है क्या? चीफ जस्टिस को, हम सबको पता है, देश के वकीलों को, कि बेहुदे कानून है जिसमें पुलिस स्टेट की ओर बढ़ाने की कोशिश है, लोगों को बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल और रिमांड पे भेजने की उसमें तैयारी है। हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज करेंगे, उन कानूनों को इस देश के ऊपर बोझ नहीं बनने देंगे। वकीलों की बहुत पूरी फौज तैयार है, पूरे देश के लोग अब समझ रहे हैं और वकील जागरूक है इस मामले में। कम से कम चीफ जस्टिस को, अब चीफ जस्टिस ने क्यों बयान दिया मैं इतना तो नहीं समझता, हो सकता है वो भी, उनको ज्यादा ऐसी परिस्थितियां कुछ ऐसे बयान देने पड़े ताकि सरकार को ये ना लगे कि हम उनके खिलाफ हैं और चुपचाप उनका उनका इलाज करना है। कई बार इंजेक्शन लगाने के लिए भी कुछ डॉक्टर समझदारी से बच्चे को बैला फुसला के और उसके बाद में इंजेक्शन लगा देते हैं जो उसको दवाई चाहिए। तो चीफ जस्टिस पर मैं इतना तो नहीं कर रहा, मैं मुझे मालूम है, मैं चीफ जस्टिस को ये जरूर पता है कि ये कानून जो सुधार किया है इन्होंने, नाम नूम बदल के और सेक्शन के नंबर बदल के, नॉन सेंस की इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी देश की, देश को ये उसी में सुधार कर सकते थे। अब पुलिस स्टेट का तो क्या है, धारा 44 खत्म करो भाई, और जो तुमने रिमांड के लिए एक एक साल के लिए बना दिया, लोगों को जेल में ठोक रहे हो, कल तुम्हारा नंबर आएगा तो कहाँ जाओगे? ये सीतारमन कहाँ जाएगी, ये गृह मंत्री अमित शाह कहाँ जाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाएगा? ये अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं इस देश में कि तुम लोगों को गिरफ्तार करवा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं गिरफ्तार करवा सकता। सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर वकील ये कह रहे हैं, अब तो देश में हाई कोर्टों में भी ये कह रहे हैं कि इन लोगों को गलत खून मुंह लगा हुआ है गुजरात से, उसी तरह से लोग इलेक्शन जीतते रहे हैं। ईवीएम के सुनवाई के दौरान ये बातें हुई वकीलों के अंदर, काफी वकील इस बात की चर्चा करें कि इससे ये साबित होता है ये कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सहारे ना गुजरात में जीते ना देश में जीते हैं। 19 में भी गृह मंत्री बदला गया, अगर राजनाथ गृह मंत्री होता ना चालाकी होती, ना ठगी ठोरी होती, और ना ये लोग 19 में जीत के आते। ये बातें चल रही हैं देश के अंदर वकीलों में और सुप्रीम कोर्ट में, हमारे से ज्यादा सीनियर वकीलों के मुंह की बात बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज हैपनिंग। और इतनी सीतारमन के औकात है क्या कुछ बयान देने की? बुलवाया जाता है बिचारी से, जो लिख के दे दिया बोल दिया, इनका आईटी सेल और ऊपर से जो बॉस बोलते हैं वो इन लोगों को, ये तो वही है जैसे मदारी बंदर का तमाशा करता है ना, और बंदर को कुछ कुछ कहता है, उसको इशारे समझा रहे, उसे रस्सी खींच के बेचारे को कभी नीचे बिठा दे कभी ऊपर उठा दिया, और कुछ बातें उसके साथ कर लिया एडजस्ट। दिस इज हैपनिंग लाइक दैट। ना देश बेवकूफ है और ये सरकार दोबारा आने वाली नहीं, देश की जनता अपोजिशन है, देश की जनता अपने संविधान को और अपने लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए खुद खड़ी हो गई है मैदान में, और वही लोग जिनको जरूरत है संविधान की और नागरिकों के अधिकारों की, वही लोग वोटिंग कर रहे हैं। और जो लोग चुपचाप मलाई खा रहे थे वो निराश हैं, वो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं बचे, वो जाके डिफेंसिव है, अपने घरों में बैठे हैं, और इसी तरह का माहौल देश की जनता बनाएगी। इन्होंने धारा 44 लगाई देश में, दिल्ली में अब तक भी धारा 44, और हरियाणा में कहीं पंजाब में, और किसान अब लगा रहे हैं धारा 288।
और इन उन बेवकूफों को जो पार्लियामेंट में लोगों के लिए नहीं बोल पाए, किसानों के लिए नहीं बोल पाए, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं किसान। क्या हम आपको अपने गांव में नहीं घुसने देते? भागिए यहाँ से। कौन हो तुम? काय के जनप्रतिनिधि? तुम मदारी के बंदर हो? तुम चुपचाप वहां नारे लगाते हो? तुमने पार्लियामेंट को बीजेपी की ऑफिस बना दिया? तुम जिंदाबाद चुपचाप गर्दन हिलाते हो ताकि कैमरे में किसी की शकल ना आए, टिकट ना कट जाए? जब जरूरत होती है एक दूसरे का मुंह देख के तालियां पीटते हैं, बोलने की औकात नहीं बची। देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश का संविधान तो पहले ही खत्म कर दिया। आप कहोगे कैसे? संविधान खत्म हो चुका है क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर मीडिया का सामना नहीं कर सकता, देश के लोगों को प्रश्न पूछने की छूट नहीं मीडिया के जरिए, तो इसलिए राइट टू एक्सप्रेशन तो उन्होंने खत्म कर दिया देश का। एक तरफ अपने मन की बात करते रहे जो मैं बोलूंगा, बाकी चुपचाप सुनो, किसी को बोलने की इजाजत नहीं और मैं कुछ ही पर्सन का जवाब नहीं दूंगा। ये दिस इज द सिचुएशन। बहन बेटियों की इज्जत उन्होंने उतारी तो ये वोमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इन्होंने डिग्निटी पे हमला किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है लोगों को अधिकार, ये वहां पे इन्होंने पट्टा बिठाया। तीन जस्टिस देने की गारंटी करता प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, अपोजिशन के लीडरों को बंद कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, और जो बदमाश इनकी पार्टियों में आ जाते जिसके कह रहे थे चक्की पीसिंग, उनको अपने यहाँ बुला बुला के मुख्यमंत्री मंत्रियों के पद दे दिए इन्होंने। देश में देश तमाशा देख रहा है। इन्होंने संविधान खत्म कर दिया है। संविधान के जुर्म में लोग अंदर जाने चाहिए जो, और उसमें मेन रोल किसका है? प्राइम मिनिस्टर तो संविधान की परवाह ही नहीं करता, ना गृह मंत्री करता है, ना इनको लोक लाज बची है। ये किस तरह पत्रकारों को धमकाते हैं, गोदी मीडिया को भी धमकाते हैं, सोशल मीडिया का तो चित्रांशी जी को तो सामना नहीं कर सकते, इन लोगों की हिम्मत ही नहीं है। दूसरा इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है? अरे भाई देश में असमानता बढ़ी है लोगों की आमदनी में, 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को तुम फ्री राशन करके गाली दे रहे हो। तुम्हारे बाप का है क्या राशन? ये निशुल्क कह सकते हैं, ये सहयोग कह सकते हैं, सहयोग रूप में राशन। हम अपने घर में कोई कमजोर भाई बहन होता है उसको सहयोग करते हैं, उसको फ्री नहीं बोलते कि फ्री में दे दिया, या वो निशुल्क बोल सकते हैं। ये बेसिकली अपनी फोटो लगाते हैं जैसे किसी के बाप का राशन है। इन्होंने अपनी मेहनत से पैदा किया था, देश के लोगों का पसीना, जब लोगों को उसके बदले में पूरा इनकम नहीं मिलती, दिहाड़ी नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, उसी का तो नाम शोषण है। वो हुआ है, इकोनॉमिकल जस्टिस की ऐसी की तैसी हुई है, एक दो घरानियों को सब कुछ बेच दिया देश का। तीसरा सोशल जस्टिस, भाईचारे को उन्होंने तार तार कर दिया, खराब कर दिया। तो सोशल हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, ईसाई करके इस देश की बहन बेटियों को नंगा घुमा दिया। अरे आम समाज भी, कितना ही अनपढ़ समाज हो, किसी एक बहन बेटी के ऊपर कपड़े भी नहीं है तो वो भी मुंह साइड में करके उसके कपड़े ढकते हैं हम समाज के लोग, और किसकी हिम्मत है भीड़ के सामने किसी की बहन बेटी को नंगा कर दे। और वहां इन्होंने देश के लोगों की तरह उन्मादी बना दिया, देश के युवाओं को इतना गलत रास्ते पे चलने के मजबूर कर दिया, वहां शकल दिखाने के काबिल नहीं बचा देश का प्राइम मिनिस्टर, जा नहीं सकता। इससे लोग ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील कह रहे हैं कि सारी की सारी पटकथाएं आरएसएस और प्राइम मिनिस्टर निकलने वाले हैं, ये पीएमओ सारी शरारत करा देश में, ये लिखते हैं, करते हैं और चुप रहते हैं। चुप रहने का मतलब है अपराधी का होना, इस तरह से काम हो रहा। इसलिए संविधान को तो उन्होंने खत्म कर दिया। वाइस चांसलर, प्रोफेसर, आरएसएस के चेले चांटे ने भर्ती किए, सारी मेरिट के ऐसी की तैसी कर दी। एक तो वो कौन सा था, यादव लड़का जो आजकल पत्रकार, अपना चैनल भी चलाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ, लक्ष्मण यादव जैसे मेरिटोरियस आदमी को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। एक और लड़की शेड्यूल कास्ट से प्रोफेसर, वो बेचारी धरने देती रही दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके गेट पे वो कुछ कुछ नारे लिख रहे हैं। अरे जिंदा आदमियों की इज्जत नहीं कर रहे, जय श्री राम करके तुम वोट मांग रहे हो, तुम तो एक नंबर के भिखारी लोग हो। अब देश समझ गया है उसका इलाज करेगा। इन्होंने संविधान का भट्ठा बिठा दिया है और इन्होंने देश की कोई इज्जत इस देश की बड़ी नहीं, पूरे देश में कोई डंका नहीं बज रहा पूरे देश में है कि एक देश 10 साल से कैसे ऐसे आदमी को सहन कर रहा है, और उससे पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो मीडिया का सामना नहीं कर सकता। उखाड़ फेंकना चाहिए देश को ऐसे लोगों को, कोई भी है एमएलए एमपी मंत्री संतरी, ऐसे लोगों को तो देश के ऐसे पद देना, जिम्मेदारी देना अपने ऊपर अपराध है, मानवता के प्रति अपराध है ऐसे लोगों को निर्वाचित करना। ये पूरी तरह इनका सफाया होने जा रहा है। और ये सीतारमन बिचारी चुपचाप बलि का बकरा बन रही, इससे जो कलवाया है, जैसे बच्चों को कहते बोल बेटा तैसे तोता पैसे पापा, ऐसे करती है इसकी, और क्या औकात है इसकी? वित्त मंत्री काहे के वित्त मंत्री, इसका हस्बैंड खुद इसके खिलाफ बोल रहा है, वो कह रहा है कि सब गड़बड़ घोटाला है। ये सारे के सारी ऐसी लेडी जो कि जिनके हस्बैंड उनके खिलाफ बोल रहे हैं,
समझ, इसको देश समझ रहा है इन परिस्थितियों को, व्हाट इज हैपनिंग, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है देश में। अच्छा एक एक बात और मैं फिर ऋषि भाई के पास चलूंगा, ऋषि मैं साथ जुड़े हैं थोड़ा, ऋषि बस आपसे क्षमा चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि बलराज सिंह मलिक साहब रास्ते में गाड़ी रोक करके जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो कहीं रास्ते में दूर जा रहे थे। मैं लीगल पॉइंट समझना चाहता हूँ आपसे, लीगल मतलब ये जैसे मामला आया, अब ये इंटरव्यू दे दिया, कहा कि हम आएंगे ढेर सारे सुझाव लेंगे और फिर लाएंगे, क्या जिस विषय को सीजेआई ने और संविधान पीठ ने जिसको असंवैधानिक करार दिया, इस पर क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए मुख्य न्यायाधीश को? आप म्यूट हैं, म्यूट हैं सर, म्यूट, हाँ, बोलिए बोलिए। इस पे इतना ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, इस तरह जो देश में लोग कहेंगे हर बात पे चीफ जस्टिस बोलेगा तो कैसे ये ठीक नहीं रहेगा, उनको बोलने दो क्या बोल रही है वो, उसको ये नहीं पता। अरे जब तुम वित्त मंत्री थी तुम्हें एबीसी का पता है क्या, वित्त मामलों का क्या होता है, ये देश में असमानता बढ़ रही, क्या गई वित्त मंत्रालय तुम्हारे को, जिसको मर्जी दे दिया इसको, मेरा दिल आया राजा थोड़ा है, राजाओं की तरह काम हो रहा है, संविधान की तरह हो ही नहीं रहा, योग्य है या नहीं है, क्या क्या खासियत है, तुमने ये बॉन्ड जो बनाया पहले तो चोर दरवाजे का, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें सब कुछ मालूम है और देश के लोगों को पता नहीं, देश के मालिकों को पता नहीं, और तुम अंदर कंदर साठगांठ कर रहे हो, क्या बात है। इस बारे में जितना इनको इनकी ऐसी की तैसी की जाए उतना थोड़ा है, इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया देश के प्रति, एक आदमी पैसे ले रहे हो और खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, किस मुंह से कर रहे हो, चुल्लो भर पानी में डूब मरो, इस तरह की बकवास कर रहे हो, देश को गुमराह करने की कोशिश करो, और एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का पद पे आदमी इस तरह की बात कर सकता है, इतनी अच्छी बात कर सकता, हमारा भारत यहीं तक पहुंचा क्या, इस देश के युवा ऐसे ही लोगों को चाहते हैं क्या, इस देश में इस देश के युवा एक आदर्श देश देखना चाहते हैं, भाईचारे का देश देखना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी का देश देखना चाहते हैं, किसी से अन्याय ना हो ये देखना चाहते हैं, इन्होंने गदर फंड मचा दिया, सुशासन वाली पार्टी, पार्टी विद डिफरेंस, फलाना डिगड़ा, पार्टी विद अल्टीरियर मोटिव्स, पार्टी विद घटिया मानसिकता, क्या कहने बताऊं। अब इन्होंने कानून के हिसाब से भी ऐसा कोई कानून देश में बनाने की जरूरत नहीं जो लोगों के अधिकार या उनसे छुपाना पड़े, चोर छुपाते हैं और ये देश के चोर हैं पूरे के पूरा, लोग ये कानून बना, हालांकि अपोजिशन भी उस वक्त शामिल थी, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कम्युनिस्ट पार्टियों का, कम से कम उन्होंने इस खेल में तमाशे में हिस्सा नहीं बताया, ये अपोजिशन इतनी कमजोर हो रही थी, अब तो अपोजिशन के रूप में देश है, देश की जनता है, थोड़ी बहुत यात्रा राहुल गांधी की निकली वो अच्छी बात कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं अपनी बातें, खुल के विश्वास बढ़ाया लोगों का, और उनकी मैच्योरिटी जो उनको पप्पू बना रखा था इतने दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और जितना पैसा खर्च किया इन लोगों ने, किसी आदमी को तुम वो करने के लिए पप्पू पप्पू, मेरे को तो ज्यादा दया आती है आरएसएस पे, वो कैसे मुंह दिखाएंगे इस देश को, तुम ठेकेदार बन रहे हो देश में हिंदुत्व के, ये देश को बांटने वाले हैं, मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों ने बेड़ा गर्क करा है इस देश का, पहले भी ये देश बढ़ चुका है आगे भी बांटेंगे, इसलिए युवाओं को खासतौर मेरा निवेदन है और देश के सब खासतौर पर एनर्जेटिक लोगों को, ये ऐसा मत करो कि आने वाली पीढ़ी आप लोगों को गाली दे के हमारे बाप पिता चाचा उस दौरान थे, कैसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को सहन कर पाए जिसकी हिम्मत उसको फेस करने की नहीं, मीडिया को फ्यूचर में तो कानून बनाना पड़ेगा देश में कि कम से कम एक महीने में एक इंटरव्यू करना पड़ेगा, जो नहीं कर सकता उसको दबाओ, उसको पद नहीं दिया जाए प्राइम मिनिस्टर का, या उसका एमपी होने का भी हक नहीं, ऐसे लोगों को, गुंगे लोगों को जो देश का सामना है, जिनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब और किस तरह से ये कानून अब बना रहे हैं, और इसमें दोषी हमारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है देश की, देश के सामने वो भी कहीं ना कहीं अपराधी है, इस वक्त क्यों अपराधी है, इतना घटिया कानून पीएमएलए यूएपीए जहां सालों साल लोगों को तुम अंदर रख रहे हो, जब तुम्हारा नंबर आएगा जब पता चलेगा कानून ये कितना सही है, जब सब बताएंगे, जब तक दूसरे का बेटा जेल में है वो तो फांसी टूट जाए रेप के केस में, और तुम्हारा बेटा रेप कर ले तो तुम पड़ोसी को भी पता नहीं लगने दो, पुलिस को खरीदना चाहते हो, जज को खरीदना चाहते हो, जब अपने बेटे बात आती है, एक एक साल जेलों में रखना लोगों को, राइट टू लाइफ के कितना खिलाफ कानून, अब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ये केस है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोषी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश की, देश के सामने जो इंपॉर्टेंट केस पूरे देश के लिए जरूरी है, देश के लोगों के लिए जरूरी है, उन पे सुनवाई ना करना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बिठाना, इसमें उतना ही परसेंटेज दोष का इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी है, जो कि उसमें बिल्डिंग है नहीं, उसमें बैठे हुए लोग काम करते हैं, ये परसेंट चिन्ह उन पे भी है, और ये कानून जो बनाने की बात करें ना कोई बना सकता, फ्यूचर के किसी पार्लियामेंट में दम नहीं कि फ्यूचर में इस तरह का बेहुदा घटिया कानून बनाएगा, अब देश के
वकीलों में और ज्यादा एनर्जी आई है कि अगर हम चुप रहे तो इन नेताओं के भरोसे अगर छोड़ दिया तो ये सारा का सारा ये चिड़ियाओं की तरह पूरे खेत को चुग जाएंगी। खेत हमारा है और हम ही रखवाले हैं और हमने ही ये इलेक्शन और वोटिंग करना है। देश के लोग खुद अपोजिशन में हैं और सफाया करेंगे। कोई भी फ्यूचर में कोई भी आदमी निरंकुशता को सहन नहीं करेगा इस देश में, और लोगों के फंडामेंटल राइट और भाईचारे के खिलाफ जो काम करेगा उनको ये देश सबक सिखाएगा और इस बार सफाया होगा लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। लेकिन एक बहुत सही बात जो हम लोग भी आकलन कर रहे हैं कि इस बार विपक्ष नहीं, इस बार विपक्ष जनता ही विपक्ष में है, वही चुनाव लड़ रही है। मैं नितिन मिश्रा जी के पास ले ली है। हाँ बोलिए, नाराज भी नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, वो अपने आप भी काम कर रही। उनको पता है कि हमारे पास जैसा भी है अपोजिशन के रूप में जो भी दूल्हे हैं, इनमें दूल्हों में से जो अच्छा है उसको हमने बनाना है, मगर जो वर्तमान में जो दूल्हे बैठे इनकी ऐसी की तैसी करें, इनको दबाना है, इनको घोड़ी से नीचे उतारना है और फेंकना है इनको। ये लोगों ने मन बनाया है, देश के लोगों ने। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तक हो रही है जो कि अच्छी नहीं है देश के लिए। लोग ये क्लियर कट कह रहे हैं, इनसे झूठा मक्का बैरूपिया ढोंगी प्राइम मिनिस्टर ना देश में हुआ था ना फ्यूचर में होगा, ये सिचुएशन है। और आप कह रहे 200 सवा 200 की बात, हम कह रहे हैं 150 से तो आगे, हमें तो सुप्रीम कोर्ट के वकील तो डिस्कस करेंगे, 3 का आंकड़ा नहीं बनेगा इन लोगों का इस बार, ये सिचुएशन है। मगर क्योंकि भय बैठा हुआ है ना लोगों के ईवीएम से गड़बड़ हो जाएगी, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, इस बार इतने अलर्ट है वकील, अगर उनको कुछ भी 24 घंटे रात को किसी भी जज का दरवाजा खटखटाना पड़े देश में जो गड़बड़ होगी, इनको उसी तरह पकड़वाने का काम करेंगे जैसे कि वहां चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में जो बंदा पकड़ा गया, इस बार चोरी चोर की मां को पकड़वाने का काम हम लोग करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, और चोरों के जो साथी थे वो साथी थक चुके हैं इनकी चोरियां देख देख के, खुद इनके वर्कर, इनके वो जो बेचारे उम्मीद लगाए बैठे थे देश में अच्छा काम करेंगे, जो कुछ चंद लोग मलाई खाने वाले जो चोर थे, चोरों के हिस्से में जो आ गया माल, उनके अलावा कोई एक्टिव नहीं है, हो नहीं सकता। आत्मा बिचारों की दुखी हो गई है, उनकी कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करी कि चोरों और ठगों के लिए हम काम करें, इसलिए निकल नहीं रहे। और बहुत सारे लोग कह रहे जब इन्होंने जीतना है इलेक्शन से जीत लेंगे ईवीएम से, तो इनके अपने जो समर्थक है धूप में निकल नहीं रहे, ये तो गरीब आदमी निकलेगा ना, हमारे जैसे लोग निकलेंगे जिनको पता है संविधान का बेड़ा गर्क कर देंगे, इन लोगों को दफा करना और भगाना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरे देश के उन सब लोगों से निवेदन हाथ जोड़ के कि जो भी जिन लोगों को लगता है संविधान बचाना जरूरी है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाना जरूरी है, और इन लोगों के हाथ में दोबारा से तलवार दे दी तो बंदर के हाथ में तलवार होगी, देश की गर्दन काट देंगे ये लोग, एक तरह से कहने का मतलब नुकसान हो जाएगा पूरे देश का। इसलिए सब युवाओं से खासतौर पर देश में अमन चैन भाईचारे के लिए सारे लोग भगत सिंह अपने आप को समझे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और इन लोगों को हराने का काम करें, अपनी आहुति दें इस यज्ञ में। आप लोगों का सबका सहयोग मांगता है, भागीदारी मांगता है, आप मालिक हैं इस देश के और मालिक होने का जिम्मेवारी निभाइए, ऐसे मेरी प्रार्थना है। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ।